Hey guys, welcome back to my new vlog. कैसे हैं आप सब? Hope so आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे. तो अभी अभी मैं घर से निकला था, घर तक 11 बजे तक. तो जैसे ही बस स्टैंड पहुंचा, मुझे याद आया कि आज तो मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं. जो मेरा चैलेंज है एवरीडे व्लॉग का, उसका क्या होगा? तो फिर जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा, मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है. बाकी मुझे अपना चैलेंज पूरा करना है. दिन में आज मैं व्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि ये आज दिन का मेरा रहा. मैं अपनी शेरनी आभ्या को हॉस्पिटल लेके गया था PGI. तो आज उसका फाइनल चेकअप था. आज से वो हॉस्पिटल से फ्री है, टोटली फ्री है भाई, तंदुरुस्त फिट उसको डिक्लेयर कर दिया है. तो अब हम भी थोड़ा टेंशन फ्री है. तो मैं जा रहा था 11 फेज अभी थोड़ा काम से, तो मैंने सोचा साथ मिल के चलते हैं. आना चाहूँगा दोस्तों, शाम के 5:30 हो चुके हैं. मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, घर से अभी निकला हूँ. तो मुझे लगता है मैं घर भी थोड़ा लेट ही पहुँचूँगा, पर कोई चक्कर नहीं, थोड़ा सा काम है उसको करूँगा. तो घर वाले तो कुछ बोलेंगे नहीं. मैं कौन सा आवारागर्दी करने जा रहा हूँ, काम से ही निकला हूँ भाई. आवारागर्दी मैं करता भी नहीं, अच्छा बच्चा हूँ. और बाकी हिमाचल भी कल कौन कितनी तरीके कल है, कल 11 तरीके, कल 12 या 13 को हम हिमाचल भी निकलेंगे. तो हिमाचल का एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करूँगा. वैसे बताना चाहूँगा, मैं बेसिकली हिमाचल से ही हूँ. तो अपने गांव जाऊँगा, गांव भी दिखाऊँगा, और गांव ही दिखाऊँगा और क्या दिखाऊँगा. जहाँ पे मैंने स्टडी की है, मतलब 8th तक, उस स्कूल को भी दिखाऊँगा. आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सेलिब्रिटी जो ऐसा कह रहा है, पर यार मुझे ना सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, पर मुझे दिखाना है बस यार. मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा यूट्यूब में मेरे पास रहेगा. जब मैं अपलोड करूँगा ना, तो ये मैं चीज़ आज से 10 साल बाद भी देख सकता हूँ, 15 साल बाद भी देख सकता हूँ, 20 साल बाद भी देख सकता हूँ. जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, बिल्कुल बूढ़ा हो जाऊँगा, तब भी देख सकता हूँ. इसलिए मैं सारा जो है ना, सारा हर एक चीज़ मैं कैप्चर करके यूट्यूब में रखना चाहता हूँ कि मैं इसको अपने बुढ़ापे में भी देख पाऊँ और आने वाली मेरी जनरेशन जो है वो भी देख पाए. तो इसलिए मैं यूट्यूब में, मैंने सोच लिया है कि मैं एवरीडे का ब्लॉग जो है यूट्यूब में अपलोड करा करूँगा, और आने वाले 10 साल बाद मैं खुद ही इंजॉय करूँगा इन ब्लॉग्स को. रोड के उस तरफ एक्सीडेंट हो चुका है, अभी मैं देख नहीं पाया, पर हुआ ऐसा है कि गाड़ी वाला मार के चला गया मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मौके पे था नहीं. यहाँ पे पुलिस वाले भी आ चुके हैं, और वो जो गाड़ी है वो भी ठाके लेके जा रही है, इसका एक्सीडेंट हुआ है. बाकी यहाँ पे भीड़ लगी हुई आपको दिख रही है, मुझे लग रहा है नुकसान बड़ा हो गया है कुछ. बाकी इधर भी पुलिस वाले, वो देखो वहाँ भी भीड़ है, इधर भी भीड़ है, देखो दिख रहा होगा आपको ना, यहाँ भीड़ है. मुझे लग रहा है एक्सीडेंट बड़ा हो गया है, क्योंकि काफ़ी मतलब लोग भी यहाँ पे काफ़ी खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, और एक आंटी को गाड़ी में डाल के लेके गए हैं. मतलब दो थे मेरे ख्याल में, दो को डाल के लेके गए हैं, और वो भी बेहोश पड़े थे. ये क्या है पीछे, क्या है? अरे भाई मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, तकिए पीछे पड़ा हुआ है. जब से हॉस्पिटल जा रखे थे मेरे ख्याल में वही तकिया होगा ये. हाँ वही है यार. चलो कोई बात नहीं, आज के टाइम में ना रोड पर चलना एकदम टास्क हो गया, बहुत बड़ा टास्क. कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट कर देता है भाई, कोई जानबूझ के नहीं करता पर हो जाता है. अपनी गलती ना हो तो दूसरा कर देता है. अभी हाल ही में फ्रेंड की गाड़ी थी, खड़ी खड़ी गाड़ी पे कोई गाड़ी मार गया और 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया. तो फाइनली मैं अभी 7 फेज पहुंच चुका हूं. यहां पे बहुत भीड़ है क्योंकि यहां पे सारा का सारा इंडस्ट्री एरिया है. शाम का वक्त है तो यहाँ से छुट्टी हो रही है. सारे जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सारे अपने घर जा रहे हैं. देखो भीड़ कितनी है, अभी तो थोड़ा कम हो गई है, इससे पहले थोड़ा और ज़्यादा भीड़ थी. तो 7 फेज की मारा आपने देख ली, कितनी मारा है वहाँ पे ऑफिस वालों की, ड्यूटी वालों की. ट्रैफिक सारा उन्हीं का ट्रैफिक था, सारा का सारा. 6:30 बज रखे थे तब, और इतना ट्रैफिक था वहाँ से, बहुत मुश्किल से निकल के आया मैं वहाँ पर. मतलब गया मैं, मुझे बाद में ऐसा भी लगना मैंने गलती कर दी यहाँ पे आके, कि मैं काफ़ी टाइम मेरा वहाँ पे वेस्ट हुआ. वैसे ही फिर मैं चलते चलते पहुँच गया सेक्टर 14 चंडीगढ़ कन्फ्यूज़ रहता हूँ बहुत भाई मैं. मतलब 40 सेक्टर पहुँच गया हूँ मैं अभी,
40 हाँ 40 पहुंच गया हूँ, 40 में। भीड़ का तो मान लो आजकल ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे भी इतनी भीड़ है भाई, मैं दिखाता हूँ अभी बाहर उतर के आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ भाई, बहुत सारे लोग आ रखे हैं, आराम ही नहीं है किसी को भाई, जैसे मुझे आराम नहीं है वैसे औरों को भी आराम नहीं है, सारे अपने ही भाई हैं, अपने जैसे ही हैं सारे के सारे, दिखाता हूँ अभी बाहर उतर के क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, बहुत भीड़ है भाई बहुत। सबसे पहले तो अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहाँ आ रखे इतने सारे लोग समझ ही नहीं आ रहा, और पीछे वाली साइड देख लो कितनी भीड़ है भाई, लोग ही लोग, लाइट दिख रही होंगी आपको, बहुत सारे लोग आ रखे भाई, क्राउड है यहाँ भी, तगड़ा क्राउड आ रखा है, पता नहीं क्यों यार, दुकानें तो सारी खाली पड़ी हैं, पर इतने सारे लोग हैं कहाँ पे, फिर समझ नहीं आता मुझे कहाँ इतनी गाड़ियाँ क्यों लगा रखी हैं यहाँ पे, फिर कुछ ना कुछ तो लोचा है, पता करना पड़ेगा क्या है। पीछे लाइट तो बहुत सारी दिख रही हैं, लाइन वाइज कुछ कैमरा भी दिख रही है, कैमरा ऊपर कर दो थोड़ा सा, हाँ बहुत सारी लाइट से पीछे, पर पता नहीं क्या चक्कर क्या है ये, देखना पड़ेगा जाके, तो अभी पता करता हूँ जाके क्या भीड़ है, जहाँ पे लाइट थी वहाँ पे जा रहा हूँ, पता करते क्या चक्कर क्या है यहाँ पे। अरे भाई ये लोचा है यहाँ पे, सब्जी मंडी लग रखी है यहाँ पे भी, सब्जी मंडी, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसका तो रीज़न मैंने पता लगा लिया है क्या है, बाकी टाइम भी 8:30 होने को आ गए हैं, अब मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम से घर पहुँचूँगा तो अच्छा फील होता है, अभी अच्छा फील होता है, अच्छा पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मुँह से क्या क्या निकल रहा है, तो कुल मिला के घर चलता हूँ, अभी टाइम हो गया काफ़ी। हेलो ओके हाँ राहुल बोल, मैं ये वी आर पंजाब मॉल के पास पहुँचा हूँ, हाँ करके तरफ ही आ रहा हूँ, ठीक है फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं मैं, दरवाजे से एंटर कर चुका हूं, अंदर देखता हूं पहले क्या क्या कर रहे हैं, मम्मी कमरे से उठ के आए हैं, कप्तान अभी खेल रहा है, कप्तान अरे खेल रहा है, बाकी बाबा से मिलवाता हूं, बाबा भी लेट रखे हैं अंदर, सारे रेस्ट कर रहे हैं, मैं ही घर पे काम करता हूं, बाहर घूमता हूं, सारे देखो रेस्ट कर रहे हैं अपना अपना, कोई किसी ने पानी आज भी नहीं पूछा मुझे, नींबू पानी या फिर सिंपल पानी पूछ लो, नींबू छोड़ दो, सिंपल पानी पूछ लो कोई, कप्तान पानी पिला दे, कप्तान पानी पिला, कोई नहीं पिला रहा। तो फ्रेश भी हो चुका हूँ मैं, अब आ रही है खाना खाने की, और उसके बाद ब्लॉग एडिट करूँगा, सो आज्ञा दे मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद जय भारत।